नमस्कार माँ अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जलेबी। जलेबी सभी को बहुत पसंद होती है। जलेबी बनाने के लिए हमें बैटर को 10-12 घंटे रखना पड़ता है, पर आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और इंस्टेंट जलेबी। चलिए देखते हैं। तो हम इंस्टेंट जलेबी बनाने का बैटर बनाएंगे, तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप मैदा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 फूड कलर लिया है जो 1 पिंच से भी कम है, इसे मिक्स कर लेंगे। और हमने 1/4 कप उड़द की दाल ली थी जिसे 2 घंटे पहले भिगो कर रख लिया था, और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक चिकना घोल बनाएंगे ताकि इसमें लम्स भी ना रहे। कुछ इस तरीके से बनाएं, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। अब इसे ढककर हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है और 1.5 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। अब चीनी घुलने तक हमें इसे चलाना है इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा केसर और थोड़ी इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम एक पैन में घी गरम करेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक टिप की हेल्प से ये बैटर इसमें डालेंगे और जलेबियों को इस तरीके से गोल गोल घुमाकर निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल रही है। जलेबी एक तरफ से सिक चुकी है, तो हम इसे पलट देंगे। जलेबी अच्छी क्रिस्पी और गोल्डन कलर की होने तक हम इसे तलेंगे और इसे अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे, और इसी तरीके से बाकी सारी जलेबी को भी हम निकालेंगे। हम जलेबी के आंच को मीडियम या उससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं। ये लीजिए हमारी इंस्टेंट और क्रिस्पी जलेबी एकदम तैयार है। बस ये जलेबी बनाना बहुत आसान है, पर इसमें थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, यही कि जलेबी का बैटर बहुत ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा ना हो, और जलेबी के लिए जो हमने घी यूज़ में लिया था उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। आज की अगर ये इंस्टेंट जलेबी रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।